शानदार जीवन के दमदार नुस्खे। क्या स्वाद है जिंदगी का। भगवान संसार सृजन के कार्य में व्यस्त थे। वे तरह तरह के खिलौने बना रहे थे और उनके लिए उनके कार्य, कर्तव्य और आयुष्य निर्धारित करते जा रहे थे। भगवान ने जो पहला खिलौना उठाया वह था गदा। इस खिलौनों में उन्होंने प्राण फूंके और कहा, गर्दभराज, मैं तुम्हें धरती पर भेजता हूँ, वहाँ तू जितनी चाहे मेहनत करते रहना। खाने पीने के लिए तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तेरा मालिक तुझे जो डाल देगा तो उसी में राजी रहेगा। अगर मालिक ने न भी दिया तो गांव जवार के बाहर पड़ी अकुड़ी से भी तू अपना पेट भर लेना। मैं तेरी कमर बहुत मजबूत बना रहा हूँ और तुझे 50 साल का आयुष्य देता हूँ। गदा भगवान की बात सुनकर यह कहते हुए उनके चरणों में लौट गया। प्रभु, आपका हर आदेश मुझे स्वीकार है, पर भगवान, काम करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरा आयुष्य आधा कर दे। मुस्कुराकर भगवान बोले, ततास्तु। गदा 25 वर्ष की आयु लेकर धरती पर आ गया। दूसरा खिलौना जो भगवान ने उठाया उसे हम आज की भाषा में कुत्ता कहते हैं। भगवान ने कहा, तुझे मैं काम न करने की छूट देता हूँ। जिस गली मोहल्ले में रहने की तेरी इच्छा हो वही का शेर बन जाना। तुझे कुछ भी करना धरना नहीं है। मैं तुझे 40 वर्ष की उम्र देता हूँ। कुत्ते ने कहा, प्रभु, इधर उधर बेकार की भागते दौड़ते मैं थक जाऊँगा। कृपा कर मेरी उम्र भी आधी कर दीजिए। और तब कुत्ता 20 साल की उम्र लेकर धरती पर आ गया। भगवान ने जो तीसरा खिलौना उठाया उसे हम आज की भाषा में बंदर कहते हैं। उसमें प्राण फूंकते हुए भगवान ने कहा, तुझे गलियों में रहने की जरूरत नहीं है, तो आज़ादी से जंगलों में वृक्षों पर इधर से उधर कूदते डोलते रहना। तुम्हें मैं 30 वर्ष की जिंदगी देता हूँ। बंदर ने भी कहा, भगवान, मैं तो डोलते डोलते ही थक जाऊँगा। प्रभु, मेरी आयु भी आधी कर दीजिए। बंदर भी आधी उम्र लेकर धरती पर आ गया। अंतिम खिलौना उस जिसमें प्राण फूंक कर भगवान ने जीवन किया उसे हम अपनी भाषा में इंसान कहते हैं। भगवान ने उसे कहा, इंसान, मैंने अपने जीवन के अच्छे से अच्छे पदार्थों और परमाणुओं का उपयोग करके तुम्हारा निर्माण किया है। मैं तुम्हें दिल भी देता हूँ, बुद्धि भी देता हूँ, आने जाने के लिए पाँव भी देता हूँ और कमाने के लिए हाथ भी देता हूँ, और तुम्हें सर्व गुणों की खान बनाकर पृथ्वी पर बेचता हूँ। मैं तुम्हें 25 वर्ष का आयुष्य प्रदान करता हूँ। इंसान ने भगवान के चरणों में गिड़गिड़ते हुए कहा, भगवान, आपकी लीला अजब है। आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे सौगात के रूप में दी, पर उम्र केवल 25 साल? तब मैं इस दिल बुद्धि का क्या उपयोग करूँगा? हाथ और पाँव से मेहनत करके क्या करूँगा? भगवान ने कहा, अब तू चाहे जो कर, मेरे पास उम्र का जितना कोटा था वो पूरा हो गया, अब कोटे में टोटा है। भगवान ने इंसान को बुद्धि दे डाली थी। उसने तुरंत ही बुद्धि का उपयोग किया और कहा, भगवान, आपके कोटे में टोटा है तो क्या हुआ? जो जो उम्र अभी अभी धरती पर गए हुए गधे, कुत्ते और बंदर ने आधी करवाई है, वही सब आप मुझे क्यों नहीं प्रदान कर देते? भगवान मुस्कुरा दिए और ततास्तु कह दिया। भगवान से आशीर्वाद पाकर इंसान धरती पर आ गया। 25 साल की जिंदगी तो वह इंसान की तरह जीता है। उसके बाद उसकी आयु गधे के समान शुरू होती है। वह घर से दुकान और दुकान से घर, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यानी गधे की तरह घर से घाट और घाट से घर धक्के खाता रहता है। यहीं पर ही उसकी मुक्ति नहीं होती। आगे चलकर उसकी आयु कुत्ते जैसी शुरू हो जाती है। बहू बेटों ने जो कुछ उसे डाल दिया उसी में उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। वे जैसा चाहे उसे हड़काते हैं, लतियाते हैं और वह चुप रह जाता है। जब कोई इंसान 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो बंदर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, कभी बड़े बेटे के घर और कभी छोटे बेटे के घर, रोटियां खाकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करता है। इस कहानी का नाम है जीवन की कहानी। यह एक काल्पनिक कहानी जरूर है, पर आप सभी इस कहानी की सच्चाई में वाकिफ है। हम लोग कहीं न कहीं इस कहानी के पात्र जरूर है।
हमारा जीवन ही हमारी पूंजी है। जीवन जीने के बेहतरीन कला और शैली सीखकर हम इस जीवन को परमात्मा का पुरस्कार बना सकते हैं। जो ठीक ढंग से जी पाते हैं उन्हें मरने के बाद किसी स्वर्ग को पाने की अभिप्सा नहीं रहती। का वर्तमान जीवन ही स्वर्ग हो जाता है। वे जहाँ जाते हैं और जहाँ रहते हैं वही स्वर्ग उतर आता है। व्यक्ति के एक हाथ में करोड़ों की संपत्ति हो और दूसरे हाथ में जिंदगी हो तो उसमें जिंदगी ही मूल्यवान है, क्योंकि जीवन के होने पर ही करोड़ों की संपत्ति का मूल्य है, अन्यथा संपत्ति बेकार है। मार्क ट्वेन ने कहा है, मेरी पत्नी जहाँ रहती थी वही मेरा स्वर्ग होता था। जीवन इंसान की बहुमूल्य दौलत है। जीवन है तो स्वास्थ्य का मूल्य है, धन और ज्ञान का मूल्य है, जीवन से ही चरित्र, रिश्ते और समाज का मूल्य है। अगर हाथ से जीवन छिटक जाए तो सारी चीज़ें निरर्थक हो जाती है। मार्क ट्वेन के लिए पत्नी ने कोई स्वर्ग बनाया नहीं था, अपितु उसका प्रेम। परिवार के लिए त्याग सौहार्द ही स्वर्ग का निर्माण था। जिस परिवार में प्रेम हो, आनंद हो, भाईचारा हो, त्याग की भावना हो, वह सदा सदा स्वर्ग ही बना रहता है। एक पादरी महोदय जो प्रोफेसर भी थे, बच्चों को बाइबल पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, जब जब मैं बाइबल पढ़ूं और उसमें जहाँ जहाँ स्वर्ग का उल्लेख आए, प्रभु का उल्लेख आए, तब तब तुम लोग खूब मुस्कुराना और कहना, यही है सत्य, हम इसे ही पाना चाहते, धन्य है वह। छात्र यह सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु पूछा, सर यह तो ठीक है, लेकिन जब नर्क का उल्लेख आ जाए तब हम क्या करें? पादरी ने कहा, जब नर्क का उल्लेख आए तब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उन पंक्तियों से जितना जल्दी आगे निकला जा सके उतना ही बेहतर, क्योंकि नरक में तो हम जी ही रहे हैं। नरक को बनाने के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग बनाने के लिए पहल करने की ज़रूरत होती है। सच्चाई तो यह है कि इंसान का जीवन तो कृषि भूमि की तरह होता है, जिसमें अगर अच्छे बीज बोए जाएंगे तो अच्छी फसलें उगेगी, अन्यथा झाड़ झंकाड़ को तो उगने से रोका नहीं जा सकेगा। एक और तो हमें अच्छे बीज बोने होंगे तो दूसरी ओर जंगली घास बबूल के कांटों को काटना निकालना होगा। अपने जीवन में प्रेम और शांति, करुणा और आनंद, प्रसन्नता और मैत्री भाव के बीजों का रोपण करना होगा। हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़पन और नफरत के कांटों को जीवन के खेत खलियानों से काट कर हटाना होगा। हर व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता है, पर स्वर्ग बनाना कोई नहीं चाहता। जिसने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाया है उन्हें को मरने के बाद स्वर्ग मिला करता है। अगर लड़ते लड़ते स्वार्थ के अंधे होकर जीते हैं तो जान लीजिए कि नरक में ही जी रहे हैं। मेरे लिए स्वर्ग और नरक केवल शब्द भरे हैं, और जीवन को समझने के लिए प्रतीकात्मक रूप से वे स्वर्ग और नरक के आधार है। स्वर्ग और नर्क एक अवस्था है, जीवन को दी गई एक अव्यवस्था है। हम स्वयं ही फैसला करें कि हमारा जीवन स्वर्ग है या नर्क। मेरे देखे जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। जीवन तो बांस का टुकड़ा है, यह आप पर निर्भर है कि आप उसका क्या उपयोग करते हैं। उससे आपस में लड़ते हैं या शव को जलाते हैं या सुरों का साथ कर बांसुरी बना लेते हैं। जीवन की धन्यता इसी में है कि उसे बांस का टुकड़ा न रहने दे, अपितु बांसुरी बनाए। बांसुरी भी इसलिए बनानी चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक मुस्कुराने की आदत डालकर आनंद भाव का संचार कर सके। मुस्कान तो शीतलता है, यह सभी को आइसक्रीम की तरह अच्छी लगती है। जिसने भी इसे विकसित कर लिया वह हर एक को सुहाएगा। मुस्कान सर्दी में खिलने वाली सुबह की धूप है, जो सबके तन मन की ताजगी देती है। जब हम किसी के प्रतिदिन मिलते हैं तो रोज़ाना फूलों का गुलदस्ता तो नहीं दे सकते, लेकिन मुस्कान का सुगंधित गुलाब तो रोज़ाना ही दिया जा सकता है। सांस को भी मुस्कान दीजिए और सांस से भी मुस्कान लीजिए। मुस्कान का आदान प्रदान कीजिए। मुस्कान तो चंदन का तिलक है, जो माथे के साथ साथ अंगूठे को भी महकाता है। आप जीवन में मुस्कुराहट को मूल्य दीजिए और शांति को अपनाइए। आप एक प्रयोग कीजिए, अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर जहाँ भी आप हो, 3 मिनट के लिए बैठ जाइए और आती हुई श्वासों का अनुभव करते हुए
धारण कीजिए कि मैं अपने अंतर्मन को शांतिमय बना रहा हूँ और जाती हुई श्वासों के साथ मुस्कुरा रहा हूँ। 3 मिनट का यह प्रयोग सुबह शाम कर लेने के से कुछ ही दिन में आपके जीवन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक भाव विलुप्त होने लगेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मुस्कान तो उस टॉनिक की तरह है जिसे यदि सुबह सुबह ले लिया जाए तो दिन भर उसकी ऊर्जा बनी रहती है और शाम को भी लिए जाए तो वह रात भर प्रसन्न चित रहता है। जो जो आपके जीवन में मुस्कान का विस्तार होगा, आप पुष्प की तरह खिलते जाएंगे। जो स्वयं शांति और आनंद से भरा होता है, वही अपने परिवार और समाज में शांति और आनंद का संचार कर सकता है। अशांत व्यक्ति अशांति ही फैलाएगा और शांत व्यक्ति शांति ही। जिसने कभी आंखें लाल नहीं की और जीभ खारी की, उसकी शांति और मुस्कान उसके परिवार और समाज के लिए सबसे महान है। जो घर परिवार में शांति और आनंद का संचार करता है, उसके द्वारा उससे बड़ी सेवा परिवार और समाज की क्या हो सकती है। जरा सोचिए कि वह क्या है जिसके आने से जीवन में सावन की बहार आ जाती है और जाने से बाहर चली जाती है। वह है शांति और आनंद। जिसके पास जाने से आपको शांति और आनंद मिलता है, वह व्यक्ति आपके लिए उपयोगी है। जिससे आपकी अशांति और पीड़ा मिलती है, वह व्यक्ति त्याज्य है। आनंद पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ वह है, वही के अवसरों से, निमित्तों से वह आनंद पा सकते हैं। कुछ न हो तो नीले आसमान को देखकर आनंद लिया जा सकता है। बगीचे में खिले फूलों को निहार कर आनंद ले सकते हैं। घर में जो छोटा सा बच्चा है, उसकी किल्लारी को सुनकर भी आनंद ले सकते हैं। सड़क पर जाती कारों से, उमड़ते बादलों से, बरसते हुए पानी से, क्षितिज पर निकले हुए इंद्रधनुष से भी आनंद पाया जा सकता है। किसी सरोवर के किनारे बैठकर नदी या समुद्र के किनारे आती जाती लहरों को देखकर भी हम आनंद ले सकते हैं। घर में टंगी खूबसूरत सी तस्वीर को देखकर भी हम आनंद लिया जा सकता है। आनंद तो आपके आसपास बिखरा पड़ा है, बस मन की दिशा को आनंदमय बनाने की जरूरत है। जो अपने दिन का प्रारंभ और समापन आनंद भाव के साथ करता है, उसके सामने कोई भी झल्लाता रहे, चिढ़ता रहे, गुस्सा करे, तब भी वो तो हर हाल में मुस्कुराता ही रहेगा। वह अपनी मुस्कान खोएगा नहीं। मुझे तो लगता है कि हमारे देश के लोग हंसना हंसाना भूल ही गए हैं। सब लोग किसी न किसी प्रकार रोते हुए ही नजर आते हैं। हंसने हंसाने का की कला विलुप्त होती जा रही है। हंसना मुस्कुराना जीवन जीने की एक बेहतरीन कला है। जो दिल से हंसते हैं, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ता। हंसना खुद ही एक श्रेष्ठ टॉनिक है। चाहे आपको टेंशन रहता हो या डिप्रेशन, मिर्गी की बीमारी हो या हार्ट की, आप हंसने की आदत डालें। आप चमत्कारिक रूप से टेंशन फ्री हो जाओगे। हार्ट और किडनी पर भी हंसने हंसाने के अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। आप अपने घर में ऐसा चिराग जलाएं जिसकी रोशनी में मुस्कान बिखरे। ऐसे फूल खिलाएं जिससे मुस्कान की खुशबू बिखरे। ऐसा पेड़ लगाएं जिसकी छाया में पंछी भी शांति का सुकून पा सके। जलती डाल पर कोई चिड़िया नहीं बैठती। शांति के कबूतर वही आते हैं जहाँ सदा खुशहाली रहा करती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 2 सामयिक करने का नियम लेता है, पर वह स्वयं को तनाव में रखता है, छोटी सी बात पर भी गर्म हो जाता है, तो मैं पूछूंगा कि आप अभ्यास के रूप में तो सामयिक कर रहे हैं, लेकिन जीवन में समता और समरसता न ला सके तो उस सामयिक की सार्थकता क्या हुई। मंदिर में जाकर प्रभु की प्रतिमा देखकर दिल में आनंद दशा का संचार न हुआ तो मंदिर जाना और मार्केट जाना एक बराबर ही हुआ। अगर बाहरी निमित्तों पर आश्रित रहकर मुस्कुराहट पर का संचार करोगे तो याद रखिए कि प्रकृति परिवर्तनशील है और उसके परिवर्तनशील होने के कारण सदा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती। हम लोग जीवन में सुखी और खुशियों को पाने के लिए कितने कितने इंतजाम करते हैं। कोई जन्मदिवस का कार्यक्रम करता है, तो कोई शादी की 25वीं सालगिरह मनाता है, तो कोई कभी दुकान और कभी मकान का उद्घाटन करता है। 100-100 आयोजन करके व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली का संचार करता रहता है, पर यह सब बहुत थोड़े से समय के लिए ही हुआ करता है। शादियों के आयोजन अपने देखे हैं? जिस दिन उत्सव जैसे माहौल था,
नाच गाना हो रहा है, दुल्हा दुल्हन और बाराती सजे धजे थे, तरह तरह के पकवानों से पार्टी मनाई जा रही थी। उस दिन सब बड़े खुश खुश थे। दूसरे दिन वहाँ जाकर देखे कि क्या हालत होती है, चारों ओर गंदगी का साया होता है, अजीब सी खामोशी, अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है, सारे लोग थके हारे पस से नजर आते हैं। ठन ठन कर जो खुशियाँ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, निमित्त के आधार पर जो खुशियाँ चाहेंगे तो कब तक खुश रह पाएंगे। दिन में चार निमित्त खुशियों के मिलते हैं और 12 निमित्त चिड़चिड़ापन के हाजिर हो जाते हैं। सुख और दुख मानसिक अवस्था है, परिणाम है। जो चीज़ सुख का आधार होती है वही दुख का भी आधार बन जाती है। पत्नी बड़े प्यार से खाना बनाती है, उसने आपके लिए सभी मनपसंद व्यंजन बनाए। आप खाना खाने बैठे, पत्नी ने करीने से थाली सजाई, आपको देखकर अच्छा तो लगा पर मन किसी उड़ेड़ बुन में लगा हुआ था। खाना खाना शुरू किया कि सब्जी में नमक ही नहीं था, दूसरा कौर दूसरी सब्जी से लिया जा, ओ उसमें तो दुगना नमक है, एकदम खारी। सिर तो पहले से ही गर्म था। पत्नी को खरी खोटी सुनाई और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। रेड फ्रॉम श्री चंद्रप्रभ महाराज साहेब बुक। शानदार जीवन के दमदार नुस्खे।